हेलो बच्चों, यूनिट वन के पोएम्स तो हो गई। अब आज हम करेंगे यूनिट वन की एक्सरसाइज। ठीक है, ये देखिए, इसमें है आई वंडर इफ दिस, ये जो आपका है लेट्स रीड, इस पेज पे आप अगर इसको हर लाइन को आपने पढ़ना है और हर लाइन को समझना है। ठीक है, ये क्या लिखा है, लेट्स रीड, दैट मीन्स कि इसके बाद जो लाइन आ रही है उसको सिंपल रीडिंग करनी है, टू टाइम्स रीडिंग करनी। आई, आप मेरे पीछे बोलेंगे आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। एक बार और रीडिंग करेंगे, आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। ठीक है, सो ये चारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। एक बार और कर लेते हैं, फिर से बोलेंगे आप लोग, आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। हेयर वंडर पे आपको फोकस करना है। वंडर आपके लेसन में बार बार आया था ना, वंडर का मतलब होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं वंडर करता हूँ, सोचता हूँ। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट वाला लेट्स रीड क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन के अंदर जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको बताना होता है। रीडिंग इज़ फन का मतलब होगा कि आप जो ऊपर रीडिंग करके आपको मज़ा आया, और कोई भी चीज़ जब मज़ा आ जाती है उसके बाद आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग इज़ फन के हिसाब से अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन है, What does the child in the poem think about his drawing? First question read कर रही हूँ मैं फिर से। What does the child in the poem think about his drawing? बताओ, कोशिश करो, क्या है, आता है किसी को answer? Okay, so the answer is My drawing is as good as, अब वो तो कह रहा है theirs, और हम क्या कहेंगे इस वर्ड को, others, क्या कहेंगे हम, others, as good as others. So the child in the poem think about his drawing, that his drawing is as good as others. Next question है आपका, What does the child wonder about his teacher? Now tell me, what does the child wonder about his teacher? Yes, anybody? किसी को आंसर समझ में आ रहा है? किसको आंसर समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। अबाउट द टीचर, His teacher is as good as mom or gran. Then, do you think the child would like to carry his puppy to school? आपको लगता है कि वो अपने puppy को school ले जाना चाहता है? Yes? Yes.
लेकिन ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट, अब आपके पास अब एक्सरसाइज होगी रीडिंग इज़ फन। ठीक है, रीडिंग इज़ फन में आपने क्या करने हैं, क्वेश्चन और आंसर्स अपने आप देने हैं। इमिडिएटली क्वेश्चन पढ़ा, उसका शॉर्ट में आंसर देना है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक का क्या मीनिंग है कौन बताएगा? बातें। लेट्स टॉक का मतलब है यू हैव टू टॉक टू ईच अदर, आपसे वो एक दूसरे से बात करनी है। जैसे आपने एक दूसरे से पूछना है डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, कि आपको याद है आप पहले दिन गए थे तो क्या किया था। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं बैठे हैं तो वी कांट टॉक, बट कोई बच्चा अगर बताना चाहे फर्स्ट डे एट स्कूल को तो बता सकता है। कौन बताएगा? ठीक है, बताइए। ओके, नेक्स्ट, अब ये पिक्चर्स देखिए आप लोग। इन पिक्चर्स में ये मॉन्की के एक्सप्रेशन बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंग्री है कि हंस रहा है, ये शाय है, ये हैप्पी है, ये सैड है। यस, ये एंग्री है, ये शाय है, शर्मा रहा है, ये हैप्पी है एंड ये सैड है। ठीक है, नाउ व्हेन डू यू एंटर्ड योर क्लास, व्हाट डिड यू लाइक? जब आप घुसे थे अपनी क्लास में तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया था, और हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? सो यहाँ पे आप अपने किसी दोस्त का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको जो चीज़ पसंद आई थी आप वो लिखेंगे। क्लास में घुसे थे तो क्या क्लास पसंद आई थी, बच्चे पसंद आए थे, टीचर पसंद आई थी, कोई भी। What did you enjoy doing the most? आपको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है? What did you enjoy doing the most? Obviously आप लोगों को खेलना अच्छा लगता होगा तो आप कह सकते हो कि आपको खेलना अच्छा लगा, रीडिंग अच्छा लगा, पढ़ना अच्छा लगा, जो पसंद हो। Do you have a pet at home? जिसके पास अगर है तो वो आ यहाँ पे लिख सकता है yes। ठीक है, next, फाइंड अ पार्टनर, लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम्ड यू टू योर क्लास, नाउ एक्ट ऑन योर फर्स्ट डे। ठीक है, तो सर ये पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ब्रश ब्रश योर टीथ हमने आपके कर ही लिया था, अब हम यहाँ पे आते हैं इस एक्सरसाइज पे। यहाँ पे एक वर्ड है हिप्पोपोटामस। ठीक है, इसमें कितने वर्ड लेटर्स हैं, एच आई पी पी ओ पी ओ टी ए एम यू एस। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड द पिक्चर वन हैज बीन डन फॉर, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम दिस वर्ड, मोर वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स निकालने। जैसे ने सबसे पहला निकाला है पॉट, पी ओ टी, पॉट। ठीक है, हम इसमें से सब एक एच आई पी हिप, ओके, देन पॉट हो गया, पॉप। नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं इसमें से पॉप, पॉप की आवाज़ आती है ना जब आपके पॉपकॉर्न बनते हैं। और क्या बना सकते हैं आप, हिट, एच आई और टी, हिट, एच आई टी, हिट। और सोचो एम यू एस मस और साथ में लगा दो टी, एम यू एस टी मस्ट। और किसी को दिख रहा है कुछ?
और क्या दिख रहा है? टॉप, टी ओ टी ओ पी, टॉप हो गया। तो ऐसे आपने इस वर्ड को लेके नए छोटे वर्ड्स बना लिए। आप चाहें तो स्क्रीन रोक के भी देख सकते हैं उसको। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग। ये आपका स्कूल बैग है, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, रूलर, शार्पनर, रूलर, शार्पनर, पेन, इरेजर, बुक्स, पेंसिल, टिफिन, वाटर बॉटल। अब स्पेक्टिकल्स आप बैग में ले जाओगे चाहे पहन के जाओगे। टॉय आप नहीं ले जा सकते, आइसक्रीम आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। सो ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स। तो आप भी अपने बुक में ऐसे निशान बना लेना, ठीक है। रूलर पे निशान लगाओ, खोलो का बुक, शार्पनर, पेन, इरेजर, वाटर बॉटल, देन टिफिन, देन पेंसिल। पेबल नहीं जा सकता, टॉय नहीं जा सकता, बुक्स जाएंगी और आइसक्रीम नहीं जाएगी। और फिर उसको आप नीचे जो स्पेस बना हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पे लिख लेंगे। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे है ना, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे, आप भी हो ऐसे, ये बच्चे हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, क्या कर रहे हैं ये बच्चे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये जो रिबन है इसमें से करेक्ट वर्ड आपको ढूंढना है, ओके, और करेक्ट वर्ड ढूंढ के इसमें फिल करना है। अब हम रीड कर लें, बोलें, पढ़ना शुरू करें आप भी। ईटिंग, खाना, राइडिंग, सवारी करना, गोइंग, जाना, स्टडिंग, पढ़ना, शेयरिंग, देना, रिटर्निंग, वापस आना, लाफिंग, हंसना। तो ये वर्ड्स हैं जो आप इसके अंदर फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका, ईटिंग, ई ए टी आई एन जी। ये राइडिंग हो गया, राइडिंग, आर आई डी डैश डैश डैश। गोइंग टू स्कूल, यस, बच्चा स्कूल जा रहा है। ये शेयर कर रहे हैं, लंच खाते हैं, आप लोग भी तो शेयर करते हैं। ये स्टडिंग हो गया, और ये आपका रिटर्निंग, ये रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल होगा, ये हो गया आपका रिटर्निंग। तो ये क्लियर है सारे पिक्स, समझ आ गई आपको। दोबारा देखो, ईटिंग बोलो, आप पीछे से बोलो ताकि आपकी आपको बात समझ में आए। ईटिंग, राइडिंग, ईटिंग, ईटिंग, राइडिंग, राइडिंग, गोइंग, गोइंग, स्टडिंग, स्टडिंग, शेयरिंग, शेयरिंग, रिटर्निंग, रिटर्निंग, लाफिंग, लाफिंग। नेक्स्ट, अब आपको ये प्रैक्टिस है तो छोटे बच्चों का, ये तो सबको आता है, सब माहिर है इसके अंदर। अब हम इस लेसन पे आते हैं, हल्दीज एडवेंचर, ओके। चलो ये लेसन को फिर बाद में कर लेंगे। तो बच्चों अभी आपको पीछे वाला लेसन पूरा करना है, अभी मैं ये होल्ड करती हूँ, आप लोग अपनी अपनी बुक में इसको फिनिश करिए। थैंक यू।